आज उम्मीदें मुस्कान बनकर चेहरों पर खिल रही हैं। ये जोश और उमंग है आरोग्य जीवन की पहल के लिए। ये कदम बढ़ चले हैं स्वस्थ जीवन का उजाला हर किसी तक पहुंचाने के लिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है कि हर नागरिक को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त हो, सभी को एक समान मुफ्त तथा गुणवत्ता स्वास्थ्य की देखभाल मिले। इसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ किया। हरियाणा में आयुष्मान भारत की इस बेहतरीन योजना को तुरंत लागू करने के लिए तत्परता से कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब इस सोच को सच करना है कि हर इंसान स्वस्थ हो, आरोग्य हो। हरियाणा के 170 उप स्वास्थ्य केंद्र, 360 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 100 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नवीनीकरण करके उन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हरियाणा सरकार की कोशिश है कि 2022-23 तक 2327 उप स्वास्थ्य केंद्र, 385 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 100 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में परिवर्तित कर दिया जाए। इस प्रकार राज्य के सभी केंद्रों को 2022-23 के अंत तक HWC में परिवर्तित कर दिए जाने की योजना है। आधुनिक तकनीकों से लैस, मशीनों से सुसज्जित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हरियाणा के नागरिकों को एक अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए वचनबद्ध हैं और ये सभी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं। HWC पर CHO आने से लोगों का भरोसा हम लोगों पर काफी बढ़ गया है। हम घर घर जाकर लोगों को ये बताते हैं कि अपनी स्वस्थ जीवन शैली अच्छी तरह व्यतीत करें, लोगों को बताते हैं कि व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, खुश रहें। CHOs सुबह सुबह का जो हमारा रूटीन रहता है हेल्थ वेलनेस सेंटर का, वहाँ पर CHOs योगा सेशंस लेते हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर के तहत हम लोगों को BP शुगर की अच्छे से स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं, जो आयुष्मान भारत के तहत जो कार्यक्रम चला हुआ है गैर संचारित रोगों का। ईट राइट एंड ईट वेल, इस पर हम बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उसके लिए हम उन्हें समझा रहे हैं कि सही तरीके से खाएं और सुरक्षित खाएं। लोगों तक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की अधिकतर जानकारी आशा के द्वारा ही पहुंचाई गई है। स्थानीय लोग, चाहे वो पुरुष हैं या महिला, उनका CBAC फॉर्म भरा जाता है और उन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में जाकर अपना पूर्ण चेकअप कराने के लिए आशा प्रोत्साहित करती है। इन केंद्रों पर लोगों को एकत्रित करके विशेष आयोजन भी किए जाते हैं, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देने की प्रेरणा मिले। हर जन स्वस्थ रहे और जन जन हो खुशहाल, स्वास्थ्य सुविधाएं घर के पास हों तथा इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई बीमार ही ना पड़े, यानी आरोग्य जीवन हो हर किसी का। छोटी सी भी बीमारी होती थी तो हमें सिविल हॉस्पिटल के लिए भागना पड़ता था। हमने कहीं भी दौड़ने भागने की, पैसा लाने की जरूरत नहीं है। मुझे जब भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो मैं यहीं पे सेंटर में दवाई लेने आती हूँ। हेल्थ वेलनेस सेंटर है, इसका कंसेप्ट ये है कि एक ही छत के नीचे पेशेंट को बहुत सारी किस्म की, उसको पूरी जो है एक बकेट ऑफ फैसिलिटीज जो हैं वो अवेलेबल हों, इसलिए इसको नाम दिया है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। हम यहाँ पर प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। गर्भवती स्त्री की देखभाल के लिए सर्विसेज देते हैं। दूसरा, हम नवजात एवं शिशुओं की देखभाल की सर्विसेज देते हैं। किशोर व किशोरियों की समस्याओं को सुलझाते हैं। फिर जो है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक से दूसरे को फैलती हैं, जैसे तपेदिक की, TB की बीमारी है, तो इस तरह की बीमारियों के लिए भी पूरी स्क्रीनिंग और उनका इलाज जो है वो इस फैसिलिटी के अंदर उपलब्ध होता है। फिर इसके अलावा जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जहाँ पर जो है बीमारी एक से दूसरे को नहीं फैलती, लेकिन अभी उन बीमारियों का हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है,
जैसे कैंसर की बीमारी है, हाइपरटेंशन की है, डायबिटीज़ की बीमारी है, तो उस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनकी भी स्क्रीनिंग, उनका इलाज, उनका रेफरल, उनका फॉलोअप, वो सब जो है इस हमारी फैसिलिटी के अंदर हो रहा है। जो बेसिक ENT यानी आँख नाक कान की जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, दांतों की देखभाल के लिए लोगों को समझाते हैं, मानसिक रोगों के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो स्ट्रेस फ्री रहें, और हम यहाँ पे बेसिक इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि सरकार द्वारा चलाए गए जितने भी कार्यक्रम हैं वो बेहतर रूप से उन तक पहुँचा सकें। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर 95 प्रकार की दवाएं और 14 प्रकार की जांच तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 462 प्रकार की दवाएं तथा 63 प्रकार की जांच बिल्कुल मुफ्त की जाती हैं। यहाँ लगभग 30,000 से 35,000 OPD हैं। उसका रीज़न ये है कि लोगों की सेटिस्फेक्शन। जब से हमारे गांव में HWC बना है, बीमारी से काफ़ी लोग स्वस्थ हो गए हैं। सरकार हर नागरिक को स्वस्थ जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हर नागरिक उचित जीवन शैली, संतुलित खान पान और योग आदि से स्वस्थ जीवन जिए और देश की प्रगति में अपनी क्षमता के अनुसार अपना सहयोग दे। हर नागरिक का स्वास्थ्य अनमोल है, हरियाणा के लिए, देश के लिए। एक बड़ी महामारी से जंग जीतने के बाद अब हरियाणा के कदम बढ़ चले हैं स्वस्थ हरियाणा, उन्नत हरियाणा, खुशहाल हरियाणा की ओर। आपकी डिस्पेंसरी का खूब नाम हो और खूब आप सब तरक्की करो और हम सबको ऐसे ही देखते रहो। यहाँ आए, इस सेंटर का फायदा उठाएं। सेंटर यहाँ पर है, उसकी वजह से ही हम सब ठीक ठाक हैं जी। खुशहाल जीवन का आधार, स्वस्थ निरोगी हर परिवार।